आपका स्वागत है अपना चुम मंत्रा 12 पर। आज हम लोग SSGD का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, आज प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर का करने का कोशिश करेंगे। जो जो लोग भी जुड़े होंगे एक समय निश्चित करके आप लोग बारी बारी से आंसर को देने का कोशिश कीजिएगा कि हम लोग का एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और किस किस प्रकार के क्वेश्चन को अभी प्रैक्टिस करने का हम लोग को जरूरत है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि समय निर्धारित कीजिएगा और समय निर्धारित करने के बाद ये कोशिश किया जाएगा कि हम लोग कितना समय में और कितना जल्दी जल्दी इसको बनाया जा सके। ठीक है, तो आज का सेशन का सबसे पहला नंबर और आज जो सेशन होगा पूरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पर होगा, यानी कि लाभ और हानि पर आधारित जितना भी प्रश्न हम लोग का पिछला ईयर के क्वेश्चन में पूछता है और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज का सेशन का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर भी है, आप लोग देखिएगा और थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का कोशिश किया जाए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1240 रुपया की धनराशि, ठीक है, 1240 रुपया यदि एक वस्तु का क्रय मूल 1240 रुपया है तथा 32% हानि होती है, 1240 रुपया है तथा 32% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल पूछने का कह रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल क्या होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर में यानी कि हम इस वस्तु को खरीद के कितना में लाए थे, इस वस्तु को खरीद के हम लाए थे 1240 रुपया में। ठीक है, तो 1240 रुपया में खरीदने के बाद इसे 32% जब हानि में बेचेंगे तो 68% में बेचे होंगे, इसको कितना बेचे होंगे, 68% में बेचे होंगे। ठीक है, तो 1240 रुपया की वस्तु है और 32% हानि का मतलब 68% में बेचा गया है, कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 हो जाएगा। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जो 1240 रुपया का जो वस्तु था हम जो 68% हानि पर बेचेंगे तो इतना ही में ना बेचेंगे, तब हमको कितना में बेचा जा रहा है, तो इसको हो जाएगा 8432। ठीक है, 8432 बटा में 10, तो अब इसको जब दशमलव तोड़ेंगे तो 843.20 इतना रुपया इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जब बेचा जाएगा तो इतना रुपया बेचा जाएगा, ऑप्शन आपका दिया हुआ है सी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला थोड़ा सा देखा जाए, यानी कि आज का सेशन में हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित प्रश्न रहेगा, जितना टाइप का भी क्वेश्चन होगा हम लोग बारी बारी से बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसा ऐसा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि जो पिछला साल में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग का स्क्रीन पर है, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला में कह रहा है कि एक किताब का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, एक किताब है उसका विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का रेशियो दिया है 3:4। अब कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, यानी कि इस कंडीशन में आप लोग का बताना होगा कि जब इस रेशियो के हिसाब से बेचा जाएगा तो प्रतिशत लाभ होगा कि प्रतिशत हानि होगा। आइए, तो विक्रय मूल्य क्वेश्चन नंबर 2 है, हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि किताब का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि किताब है इसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि दोनों का रेशियो जो दिया गया है रेशियो कितना है, तो 3:4। आइए ना, द सिंपल सा बातें तो है, 4 रुपये का खरीदा हुआ चीज था 3 रुपये में जाकर बेचेंगे, 4 रुपये का खरीदा हुआ चीज था 3 रुपये में जाकर बेचेंगे, तो इस प्रकार से जब बेचेंगे तो 1 रुपया का हानि ना होगा, 1 रुपया का हानि होगा रेशियो में, तो ये पूछ रहा है कि प्रतिशत में हानि कितना होगा, रेशियो में ना हानि 1 रुपया का होगा तो प्रतिशत में हानि कितना होगा, तो प्रतिशत में हानि होगा बराबर 1 रुपया का हानि होगा 4 रुपया का खरीदा हुआ चीज पर अगुने में 100, इससे ये कटेगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25% हानि जो हो जाएगा 25% हो जाएगा, और आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 25% की हानि, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25% का हानि होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, इसी प्रकार से हम लोग का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बारी बारी से इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जो जो लोग भी जुड़े हुए हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाइएगा, एक निश्चित समय करके इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा कि जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग का बनाने का आएगा तो कम समय में कैसे इसको बनाया जाएगा। आइए ना क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर तीन भी आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है कि यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य
50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 80 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा, थोड़ा सा बात को समझिएगा, हमारे पास विक्रय मूल्य दिया गया है। अच्छा, विक्रय मूल्य जो दिया है ना, पैसा में नहीं दिया गया है। विक्रय मूल्य का जो कंडीशन दिया गया है ना, तो पैसा में चाहे रुपया में नहीं दिया गया है। विक्रय मूल्य का कंडीशन ई दिया गया है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का कंडीशन इस प्रकार से दिया गया है कि हम खरीद के ला रहे 80 गो वस्तु, आप बेच रहे हैं 50 गो वस्तु। फिर से बातें, हम खरीद के ला रहे हैं 80 गो वस्तु, आप बेच रहे हैं जाके 50 गो वस्तु। तो अब हमारे पास ऐसा सोचने सोचिएगा ना, हम जाए गए थे मार्केट में ना, तो 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे और 80 गो हम जाकर वस्तु खरीद के लाए थे, 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे और 80 गो वस्तु खरीद कर लेकर आए थे, लेकिन यही 100 गो रुपया जो हम इन्वेस्ट किए थे, तो यही 100 रुपया मेरे पास प्रॉफिट हो गया, 100 रुपये मेरा पूंजी निकल गया, कितना वस्तु बेचने पर, 50 वस्तु बेचने पर। तो इस कंडीशन में हमारे पास लाभ के रूप में बचा का होगा, तो लाभ के रूप में 30 गो वस्तु ने बचा होगा। अगर हम दुकानदार हैं तो इस टाइप के सामान बेचकर सामने में जब जाएंगे घर पर, जब हम दुकान बंद करके घर पर जाएंगे, तो लाभ के रूप में पैसा लेकर जाएंगे, नहीं लाभ के रूप में वस्तु लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो खरीद के लाए थे 80 गो वस्तु 100 रुपया में, लेकिन 100 रुपये मेरा पूंजी निकल गया 50 गो वस्तु बेचकर। तो इस प्रकार से हमारा 30 गो वस्तु का फायदा हुआ ना। तो अब कह रहा है कि यही जो 30 वस्तु का लाभ हो रहा है, इसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 30 वस्तु का लाभ हो रहा है, कितना वस्तु बेचने पर, तो 50 वस्तु बेचने पर, आ गुणे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50 दुनी का 100 बराबर हो जाएगा 60%। यानी कि इस प्रकार से जब वस्तु में खरीद बिक्री होगा तो 60% का लाभ होगा और ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग का 34 नंबर, आप लोग का स्क्रीन पर है, थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का स्क्रीन पर है, थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः, एक वस्तु का क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 रुपया तथा 2150 रुपया है, 1331 रुपया तथा 2150 रुपया है। यानी कि तब हमसे पूछ रहे हैं कि प्रतिशत लाभ ज्ञात, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो आइए, जब हम बेच रहे हैं किसी वस्तु को, तो जब हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा 1333, विक्रय मूल्य का वैल्यू बराबर हो जाएगा 1333, यानी कि 1333 रुपया में बेच रहे हैं कितना वाला वस्तु, यानी कि इस वस्तु को खरीद के कितना में लाए थे, तो क्रय मूल्य का वैल्यू बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य का वैल्यू बराबर हो जाएगा 2150, क्रय मूल्य का वैल्यू बराबर हो जाएगा 2150। अब यहां से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो देखने के क्या, यहां से भी तो पता चल रहा है ना कि हम खरीदे हुए चीज है 2150 रुपया में, लेकिन इस वस्तु को जाकर 1333 रुपया में बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में तो हानि न हुआ होगा हमको, तो इस कंडीशन में हानि हुआ है, तो कितना रुपया का हानि हुआ है, तो 817 रुपया का हानि हुआ है। तब कह रहा है कि तो अंक में 817 रुपया का हानि हुआ है, तो ये प्रतिशत में हानि कितना होगा, तो प्रतिशत हानि बराबर 817 रुपया का हानि हुआ, कितना रुपया करें मूल पर, 2150 रुपया करें मूल पर, गुणे हो जाएगा 100, बोलिए जीरो से जीरो कटेगा, का बचेगा 8170 आ बट्टा में 215, और तब हम कटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 38%, यानी कि ये पूरा वस्तु हमको 38 में कट जाएगा, तो 38% आपका ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 38% का हानि हुआ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग का स्क्रीन पर है, थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर पांच में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था यह हमको पता नहीं है, लेकिन जितना का भी खरीद के लाए थे, अगर उसका मूल्य का अगर 3 गुना हम उसका विक्रय मूल्य कर दे रहे हैं, तो लाभ जो हो रहा है, लाभ 4 गुना हो जाता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए, तो हम क्रय मूल्य खरीद के
कितना में लाए थे ये हमको पता नहीं है, करेमूल हमको पता नहीं है कितना में खरीद के लाए थे, लेकिन जितना में भी खरीद के लाए थे अगर उस वस्तु को, अगर जितना में भी खरीद के लाए थे अगर उस वस्तु को विक्रय मूल्य कर देते हैं तीन गुना, जैसे एक रुपये में खरीद के लाए हैं तब इसका कितना रुपये कितना गुना हो जाता है, चार गुना हो जाता, तीन गुना हो जाता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तीन गुना होने पर लाभ चार गुना हो जाता है। तो आइए ना, पहले लाभ का सूत्र क्या होता है, तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। हमारे पास क्रय मूल्य का वैल्यू पता नहीं है कि क्रय मूल्य हमारे पास कितना था, लेकिन तीन रुपया जितना है इसका क्रय मूल्य था, अगर तीन रुपया इसमें रखा तीन गुना रखा जाता था तो लाभो चार गुना हो जाता था, तीन गुना रखा जाता था तो लाभो चार गुना हो जाता था। तो अब माइनस में हो जाएगा क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य का वैल्यू हमको नहीं पता है कि क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य को जब उठाकर इधर लेकर आएंगे तो क्रय मूल्य का वैल्यू बराबर चार में से तीन घटेगा एक हो जाएगा का। तो यहां तक हमको पता चल गया कि एक रुपया में कोई वस्तु खरीद के लाए थे और तीन रुपया रखे थे लाभ, उस पर चार रुपया हो गया था। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर हमारे पास प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा कि अगर एक रुपया का खरीदा हुआ चीज है और तीन रुपया में जाकर बेचेंगे तो लाभ दो रुपया का ना होगा, तो लाभ दो रुपया होगा तो कितना रुपया पर, क्रय मूल्य एक रुपया ना है और गुने हो जाएगा सौ, बराबर कितना प्रतिशत, यानी कि 200% लाभ का जो वैल्यू होगा 200% होगा। और आपको ऑप्शन दिया हुआ है डी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन एक और अगला क्रम नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है ना, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर होता, विक्रय मूल्य हानि जो होता है विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर होता है तो हानि का प्रतिशत लगभग कितना होगा, यानी कि हानि का प्रतिशत लगभग कितना होगा। आइए, यानी कि हमारे पास विक्रय मूल्य है, यानी कि हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य और हानि का कहानी कह रहा है, यानी कि जितना भी विक्रय मूल्य हो रहा है, विक्रय मूल्य हमारे पास रेशियो में एक हो रहा है, जितना भी विक्रय मूल्य हो रहा है उसका 1/5 के बराबर हानि हो रहा है। तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि 5:1 हो जाएगा का, तो प्रश्न में हम लोग ऐसे सोचेंगे का कि 1 रुपया हानि हो रहा है 5 रुपया बेचने पर, 1 रुपया का हानि हो रहा है 5 रुपया बेचने पर, इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रयमूल बराबर हो जाएगा, क्रयमूल बराबर होता है हानि प्लस विक्रयमूल, यानी क्रयमूल बराबर हो जाएगा 6। और तब कह रहे हैं कि प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, रेशियो में तो पता है प्रतिशत हानि, हानि 1 रुपया का है 6 और गुणे में 100, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा 50/3 और नहीं तो हो जाएगा 16.2% भी बोला जाता है, यानी 16.66% भी बोला जा सकता है। तो हम लोग को ऑप्शन में बनाया है 16.67 भी कह सकते हैं, यही आंसर है। और आप लोग ऑप्शन में दिया हुआ है डी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि जो लोग भी जुड़े हुए हैं कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन एक निश्चित समय के बाद बनाकर भेजने के लिए, क्योंकि इससे हम लोग का ये आइडिया चलेगा और इससे ये हमको पता चलेगा कि आप लोग कितना कम समय में ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन बना पा रहे हैं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे सब प्रीवियस ईयर आधारित रहेगा, जितना भी क्वेश्चन हम लोग का आज रहेगा सब प्रीवियस ईयर आधारित रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर अगला में कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर भी क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यानी कि 220 रुपया के खरीदा हुआ चीज हम जाकर उसको 220 रुपया खरीदा हुआ चीज 20% लाभ पर बेच रहे हैं, 220 रुपया के खरीदा हुआ चीज
20% लाभ पर बेच रहे हैं, 120 बटा में 100 करेंगे का? अब तो प्रश्न कह रहा है तो बताइए ना इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 22 बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि 22 गुने 12 और 22 गुने 12 का वैल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 264 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। और 264 रुपया आपको ऑप्शन में दिया हुआ है डी। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे अगर क्रय मूल्य दिया रहेगा विक्रय मूल्य का बातें करे तो सीधा गिनती, और विक्रय मूल्य दिया रहेगा क्रय मूल्य का बातें करे तो उल्टा गिनती। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला भी आप लोग स्क्रीन पर है, थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछला कर चुके हैं कि 50 वस्तु को बेचने पर, यानी कि 80 वस्तु खरीद कर 50 वस्तु बेचने पर प्रतिशत लाभ होता है, उसी प्रकार से है। तो 60 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि हम खरीद के लाए थे कितना वस्तु खरीद के लाए थे, तो हम खरीद के लाए थे 60 वस्तु खरीद के लाए थे, लेकिन जब बेचने का बारी आया ना, हम जब मार्केट में बेचने का बारी आया तो हम जाकर एक से वस्तु को जाकर बेच रहे हैं, कितना वस्तु को बेच रहे हैं, एक से वस्तु को जाकर बेच रहे हैं, तो एक वस्तु को विक्रय मूल्य के बराबर है, एक वस्तु बेच रहे हैं, और हम 60 वस्तु जितना में खरीद के लाए थे, 100 रुपये में खरीद के लाए थे, 50 में खरीद के लाए थे, या 20 में खरीद के लाए थे, 60 वस्तु जितना में खरीद के लाए थे, उतना पैसा अगर हम 100 वस्तु जाकर बेच रहे तो उतना पैसा हमारे पास वापस आ जा रहा है, जितना पैसा हमारा वापस आ जा रहा है, तो लाभ के रूप में 60 वस्तुओं में से जितना वस्तु बचेगा वही ना मेरा लाभ होगा, लाभ के रूप में यही ना मेरे पास लाभ होगा। क्यों? क्योंकि हम जितना वस्तु बेच रहे हैं, जो मेरे पास बेचने के बाद जो हमारे पास जो पूंजी लगे तो वो निकल गया, तो शेष जो बचा होगा वही ना मेरा लाभ है, तो शेष जो बचा है लाभ है, तो प्रतिशत लाभ बराबर, जब भी मेरे पास लाभ और हानि वस्तु के रूप में होता है, जब भी मेरे पास लाभ और हानि वस्तु के रूप में हो, तो बाटा में विक्रय मूल्य रखते हैं, तो बाटा में विक्रय मूल्य का वैल्यू बराबर क्या करेंगे कि x, यानी कि हमारे पास लाभ कितना का हो रहा है, तो 60 माइनस x का लाभ हो रहा है, कितना वस्तु बेचने पर, x वस्तु बेचने पर गुणे हो जाएगा 100, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि लाभ जो प्रतिशत में हो रहा है ना, लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, जो प्रतिशत में लाभ हो रहा है कितना परसेंट का, 20% का, यही 20% का वैल्यू बराबर हो जाएगा 60 माइनस x बटा में x, आइए हो जाएगा गुने में 100, देखिए ना है 20 से है कटेगा का, कट जाएगा, तो अब इधर आ जाएगा x, इधर का आ जाएगा, तो 5 से या 60 से गुना कराएंगे, ये हो जाएगा 300, और माइनस में हो जाएगा 5x, तो है माइनस 5x इधर आएगा तो 6x हो जाएगा, 6x का वैल्यू बराबर हो जाएगा 300, और तब हमारे पास x का वैल्यू बराबर हो जाएगा 50, x का वैल्यू बराबर 50 का मतलब कि 60 वस्तु खरीद के लाए थे, आप 50 वस्तु जाकर बेचे ना, तो हमको 20% का लाभ हो गया, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग का किस किस प्रकार का क्वेश्चन करता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग करने का कोशिश करेंगे, और आप लोग एक समय निश्चित करके इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यूस को एक वस्तु 5% हानि पर बेच देता है, पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेच देता है, फिर कह रहा है कि जो क्यू खरीदा ना क्यू का किया, आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेच देता है, आर वस्तु के लिए 2812 रुपया चुकाता है, तो पी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि सिंपल सा बात है, क्यू का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए, तो हमारे पास है पी है, क्यू है, आर है, तो आर का वैल्यू हमको पता है कि आर 2812 रुपया चुका रहा है, खरीदने के लिए 2812 रुपया दे रहा है, लेकिन 2812 रुपया दे रहा है तो है जो खरीदा था इससे जो खरीदा था 20% हानि पर खरीदा था, और है जो बेचा था इससे तो 5% हानि पर बेचा था, अब हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो अब देखिए ना, हमको यहां से जब यहां जाना होगा तो उल्टा गिनती, अगर पी से आर के पास जाते तो सीधा गिनती, ऐसे भी सोचिए ना, पी खरीद
खरीद कर आर को बेचेगा तो पहले पी खरीदेगा तबे ना आर को बेचेगा। तो पहले पी आएगा कि पहले आर का वैल्यू आएगा, तो पहले पी का वैल्यू आएगा। लेकिन हमको प्रश्न में आर का वैल्यू दिया है, पी का पूछ रहा है, तो उल्टा ना जाएंगे। तो उल्टा जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, 2812 रुपया के धनराशि था और 20% कहानी पर बेच रहा है, तो 100/80। क्यों 100/80? इसलिए कि ये वाला हमारे पास उल्टा करने के लिए कह रहा है, आर का वैल्यू दिया है, पी के तरफ जाने के लिए कह रहा है। फिर आइए, फिर अगला जो बेच रहा है 5% हानि पर बेच रहा है, बटा में हो जाएगा 95, यानी कि 5% हानि का मतलब 95। आइए ना कटाया जाए, हाई कटाएंगे तो 20/25 100, हाई कटाएंगे तो 19/25 95, हाई 0 से 0 कटेगा। फिर देखिए ना, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, हाई 2 से कटेगा तो हाई कटेगा 5 बार में। तो मेरे पास टोटल बचा कितना, टोटल बचा है 2812 × 5 × 5 और बटा में 19। तब हम देखेंगे कि 19 के पहाड़ा से ये वाला कट रहे का, तो 19 के पहाड़ा से ये वाला तो पूरे 148 बार में कट जा रहा है, तो होगा का 148 × 25 का वैल्यू बराबर हो जाएगा 3700 रुपया। यानी कि इसके लिए जो पी मूल्य निर्धारित किया था, ये अपने मूल्य 3700 रुपया इन्वेस्ट करके इस वस्तु को खरीदा था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला को देखा जाए। यानी कि आज के सेट में प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी क्वेश्चन होगा, जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा, हम उस टाइप का क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रीवियस ईयर पर संबंधित रहेगा, यानी कि पिछला साल का आया हुआ क्वेश्चन पर आधारित रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि पी 1200 रुपया में खरीद कर एक वस्तु को क्यू को बेच देता है। ठीक है, पी 1200 रुपया में खरीद कर एक वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपया में बेचता है, तो क्यू का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आइए ना, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का मतलब है 1200 रुपया में खरीदा है 1200 रुपया में, अब 15% लाभ पर ई जाकर क्यू को बेच देता है, ये 0000 कटेगा। यानी कि हमको ये पता चला कि 1380 रुपया में जाकर इससे बेचा था, ये कितना में खरीदा था, तो 1380 रुपया में खरीदा था, इससे ये जाकर कितना में खरीद लिया, 1449 रुपया में खरीदा है। यानी कि क्यू से आर जो खरीदा है 1449 रुपया में, हमको प्रश्न में दिया हुआ है, यहां से ही पता चला कि 1200 रुपया में खरीदा था, अब 15% लाभ लिया जाकर क्यू को बेच दिया, क्यू को कितना बेचा, 1380 रुपया बेचा। तो 1380 रुपया बेचने के बाद ई क्या किया, ई जाकर इसको बेच दिया कितना में, 1449 रुपया में, जो कि 1449 रुपया हम लोग को प्रश्न में दिया है। तो अब प्रश्न में ई क्या कह रहा है, तो कह रहा तो बताइए ना, अब बताइए कि पी जो है आर को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा है। तो ऐसे देखिए ना, ऐसे कितना रुपया बेचा, 69 रुपया में, तो 69 रुपया का लाभ लेकर बेचा है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 69 बटा में 1380 गुने हो जाएगा 6, गुने हो जाएगा 100, ये 0 से 0 कटेगा। और तब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हमारे पास बचा 690 और बटा में 138 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5%, यानी कि 5% लाभ पर ही जाकर इसको बेच दिया था। तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर अगला में कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला में कह रहा है कि एक पर्स 99 रुपया में 10% लाभ पर बेचा गया। यानी कि 99 रुपया में बेचे और जाकर देखे तो हमको पता चला कि 10% का लाभ हो रहा है। यदि इसे 72 रुपया में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 99 रुपया का चीज था और जाकर 10% लाभ पर बेचा गया था, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए पलट देते हैं, ऐसे कट जाएगा, हाई कट जाएगा 9 बार में। यानी कि हमको ये पता चल गया कि खरीद के लाया कितना में गया था, 90 रुपये में खरीद के लाया गया था। लेकिन अब कह रहा है कि यदि इसे 72 रुपये में बेचा जाता, 90 रुपये वाला चीज जाकर 72 रुपये में बेचा जाता, तो हमको हानि ना होता,
तो हानि न होता, तो हानि कितना रुपये का होता, 18 रुपये का होता। तो यही तो पूछ रहा है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत हानि मतलब 18 रुपये का हानि हो रहा है, कितना रुपये में खरीदने पर 90, आ ये हो जाएगा गुने में 100, ये हो जाएगा 18 × 5 = 90, ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, बराबर कितना हो जाएगा 20%, यही आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन में दिया है 20% हानि, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि मोहित 3 रुपये प्रति अंडा के दर से अंडा खरीदता है, 3 रुपया प्रति अंडा के दर से अंडा खरीदता है, और 5 रुपये प्रति दर के अंडा से बेच देता है, और 35 अंडा बेचने में उसे कितना रुपया का लाभ होगा, यानी कितना परसेंट का लाभ होगा। तो आइए पहले हम खरीदने गए ना, अंडा हम खरीदने गए, करैमूल का वैल्यू बराबर हम एक अंडा खरीद के ला रहे हैं, एक अंडा जब खरीद रहे हैं तो एक अंडा 3 रुपया में खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन यही अंडा को जब मार्केट में हम बेचने जा रहे हैं, यही अंडा को हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं, तो एक अंडा को हम बेच रहे हैं 5 रुपया में, एक अंडा को बेच रहे हैं हम 5 रुपया में। तो इस प्रकार से हम किसे ये पूछ रहे हैं कि 35 गो अंडा बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा, यानी कि 35 गो अंडा बेचने पर, आइए ना, एक अंडा का वैल्यू बराबर 3, तो 35 का वैल्यू बराबर, इधर जब 35 से गुना कराएंगे तो इधर भी तो 35 से गुना कराएंगे ना, तो 35 × 5 हो जाएगा, 35 × 3 हो जाएगा 105, 35 × 3 हो जाएगा 105, यानी कि हम 35 गो अंडा 105 रुपया इन्वेस्ट करके खरीद के लाए थे, लेकिन अब इसी को बेचने जा रहे हैं, तो 35 गो अंडा ना जाकर मार्केट में बेचेंगे, अब 35 गो अंडा जब मार्केट में जाकर बेचना स्टार्ट किए तो यहाँ भी 35 से गुना करेंगे 35 अंडा, और इधर भी 35 से करेंगे, तो कितना रुपया बेचे होंगे, तो 175 रुपया में जाकर बेचे, यही 35 गो अंडा जब मार्केट में जाकर बेचे ना, तो 175 रुपया में जाकर बेचे। तो इस हिसाब से हमको लाभे ना हुआ, तो लाभ कितना रुपया का हुआ, लाभ हुआ तो 70 रुपया का लाभ हुआ। तब हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए 70 रुपया का लाभ हुआ है, कितना रुपया इन्वेस्ट किए थे अपने तरफ से, अपने तरफ से इन्वेस्ट किए थे 105 रुपया, और गुने में हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 35 × 70, 35 × 3 = 105, ठीक है। तो ये 3 का 3 रह जाएगा, क्या बचेगा, ये हो जाएगा 200/3, और 200/3 का मतलब हो जाएगा 66.66% का लाभ होगा, यही आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि आज के सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी क्वेश्चन था, हम लोग ये बारी बारी से क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने का कोशिश की है, और आप लोग अगला सेशन में यानी कि अगला टाइम में फिर हम लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो अगला चैप्टर से आधारित रहेगा। इसी प्रकार से प्रतिदिन हम लोग जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद बारी बारी से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करने का कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़िए, और जुड़ने के बाद ये करने का कोशिश कीजिए कि एक समय निश्चित कीजिए, और समय निश्चित करने के बाद हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन जब हमको पूछेगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही तक रहने दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।